हम ताजा तरीन खबरें जानने के लिए आवाज इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा अपने बैंक खाते फ्रीज करने के मामले में कांग्रेस पार्टी ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। सुप्रीम कोर्ट जाने से आधे घंटे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने पार्टी हेडक्वार्टर में 49 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तीनों नेताओं ने एक सुर में कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले बैंक खातों को फ्रीज करवाकर केंद्र सरकार देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी को कमजोर और पंगु बनाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में फ्री और फेयर इलेक्शन की बात कैसे हो सकती है। इस पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कांग्रेस हार के डर से बहाने ढूंढ रही है। खड़गे ने कहा लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, लोकतंत्र के लिए यह जरूरी है कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराए जाएं और सभी राजनीतिक दलों को समान अवसर मिले। एड आईटी और अन्य स्वतंत्र संस्थाओं पर किसी का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि जो सत्ता में है संसाधनों पर उनकी मोनोपोली हो और देश की संस्थाओं पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उनका नियंत्रण हो। कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए, किसी कोर्ट ने, चुनाव आयोग ने चू तक नहीं की, किसी ने कुछ नहीं कहा। हमें देश के 20% लोगों ने वोट किया, हम उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। कांग्रेस के बैंक खाते नहीं, देश के लोकतंत्र को फ्रीज किया गया है। हमारे देश में लोकतंत्र है ही नहीं। हमारी असुरा शक्ति से लड़ाई हो रही है, ठीक है, नफरत भरी असुरा शक्ति। कांग्रेस पार्टी के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। आप सोचिए, आप किसी परिवार के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी बिजनेस के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी भी संस्था के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, होता क्या है? एकदम खत्म हो जाता है। अगर आपने किसी परिवार का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया, भूखे मर जाते हैं। वो कांग्रेस पार्टी के साथ किया जा रहा है। एक महीने पहले यह हुआ और किसी संस्था ने, हिंदुस्तान की संस्था ने, किसी कोर्ट ने, किसी इलेक्शन कमीशन ने चू तक नहीं कहा। सब ड्रामा देख रहे हैं। 20% हिंदुस्तान के लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं। हम 20% लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं और आज हम रेलवे टिकट नहीं खरीद सकते। आज हम अपने नेता को एक शहर से दूसरे शहर नहीं भेज सकते। हम एडवर्टाइजमेंट नहीं लगा सकते। और क्यों? 14 लाख रुपए, 7 साल पहले 14 लाख रुपए का इश्यू है और 200 करोड़ रुपए का फाइन और सारे के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए। जब इनकम टैक्स, ये दिखाना मुझे जरा, सॉरी क्या, 200 करोड़। जब इनकम टैक्स, साफ इनकम टैक्स की जो एक्ट है, साफ कहता है कि ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए का फाइन मिलेगा, लगेगा। तो यह है हिंदुस्तान का लोकतंत्र। ये क्रिमिनल एक्शन है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ और हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ, और ये क्रिमिनल एक्शन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। मैं कहना नहीं चाहता कि बीजेपी ने किस तरीके से कंपनियों से पैसे लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तथ्यों की जांच कर रही है। हमें उम्मीद है कि सच्चाई बहुत जल्द हम सब के सामने आएगी। और अंत में मैं देश के संवैधानिक संस्थाओं से अपील करता हूं कि अगर वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहते हैं तो हमारी पार्टी को बगैर किसी रोक टोक से बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल करने दे। और जो इनकम टैक्स का क्लेम है वो अंततः कोर्ट के निर्णय के अनुसार सेटल हो जाएगा। राजनीतिक दल टैक्स नहीं देते, बीजेपी कभी इनकम टैक्स नहीं दी, लेकिन ये लागू सिर्फ कांग्रेस पे हो रहा है। कोई पॉलिटिकल पार्टी इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते, सच है ना?